हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर के टाइप्स में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पिछले क्लास में देख लिए थे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर पास किया जाएगा कहलाएगा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास किया जाता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर को अलग अलग आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। इसमें आर्ग्यूमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब आप जितना चाहो उतना आर्ग्यूमेंट क्या कर सकते हो, दे सकते हो। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्लास के ऑब्जेक्ट में पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ती है, मतलब क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनाओगे वहां पे क्या करना पड़ता है, तो जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू देना पड़ता है। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का उपयोग कैसे प्रोग्राम में होता है। ठीक है, तो एक एडिशन का प्रोग्राम बना लेते हैं। एडिशन का प्रोग्राम आप पहले भी बनाए हो तो उसी एडिशन के प्रोग्राम में हम किसका यूज कर देंगे, कंस्ट्रक्टर का। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हेडर फाइल बनाएंगे। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड आइसोस्ट्रीम डॉट एच। हो गया हमारा हेडर फाइल। अब क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। तो क्लास का आप नाम अपने अनुसार क्या कर सकते हो, दे सकते हो। जैसे मैं ये क्लास बनाया, क्लास की वर्ड यूज करेंगे क्लास और क्लास का नाम दे दिया। ठीक है, क्लास को क्या कर दिए, ओपन। एक क्लास बनाया, क्लास कैसे बनता है, क्लास की वर्ड से बनता है। क्लास को फिर क्या दे दिए, नाम दे दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, ए नाम दे रहे हैं। उसके बाद क्लास को ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर दिया हुआ है प्राइवेट। ठीक है, एडिशन का प्रोग्राम है, मतलब हमको तीन वेरिएबल देना पड़ेगा क्योंकि दो एड होगा किसमें, तीसरे में। यहाँ पे मैं क्या ले लिया, प्राइवेट ले लिया। अब प्राइवेट में इंटीजर ले लिया हूँ, ये आपका इंटीजर ए बी और सी। ठीक है, तीन वेरिएबल, किस टाइप के वेरिएबल है, इंटीजर। क्या क्या लिया हूँ, ए बी और सी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए बी सी क्या ले लिए, तीन वेरिएबल ले लिए। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट हो गया आपका और एक एक्सेस स्पेसिफायर क्या हो गया आपका, पब्लिक। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए हम तीन क्या लिए हैं, वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे हमारा बनेगा कंस्ट्रक्टर। तो ये ले लिया हमें कंस्ट्रक्टर ए। ठीक है, क्योंकि जो नाम क्लास का रहता है वही नाम किसका रहता है, आपका कंस्ट्रक्टर का रहता है। और यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ठीक है, पैरामीटर पास कर दिया, क्या क्या, इंटीजर एक्स पास कर दिया और इंटीजर वाई पास कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ओपन। ये क्या है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, हम ओपन किए। अब ओपन करने के बाद क्या करेंगे, अब यहां पे ए लिए, तो ए इज इक्वल टू एक्स कर दिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू क्या कर दिए, वाई। क्योंकि पैरामीटर एक्स और वाई जो हमने पास किए, मैं आपको फंक्शन में पढ़ाया था फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या ले लिए, एक्स ले लिए और वाई इज इक्वल टू क्या ले लिए, बी ले लिए। अब सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस। ठीक है, फॉर्मूला होता है एडिशन का, एडिशन का फॉर्मूला लगा दिए, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अब एक क्या बनाओ, फंक्शन। क्या फंक्शन बनाया, बनाएंगे हम लोग तो वाइट। ठीक है, वाइट डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, एक फंक्शन बना दिया वाइट डिस्प्ले करके। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर दिए, कर दिए ओपन। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। अब क्या करेंगे, इधर देखना, आपको ये वाइट फंक्शन बनाया है, वाइट डिस्प्ले फंक्शन, उसको ओपन कर दिए। अब हम प्रिंट कराएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, सी आउट। ठीक है, सी आउट लिखने के बाद आपको प्रिंट क्या करा रहे हो, तो लिखते एडिशन ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहां, एडिशन ऑफ। ठीक है, एडिशन ऑफ किसके किसके साथ एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन ए, एडिशन ऑफ ए। ठीक है, ए और क्या है आपका, बी। एंड एंड क्या है आपका, यहां पे बी। ठीक है, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज क्या जाएगा आपका, सी।
उसी अमाउंट में आप यहां तक करा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, ये ओपन का ये क्या हो जाएगा क्लोज, क्लास ओपन का क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोज, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं मतलब तीन दो नंबर ले रहे हैं और दोनों नंबर को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, ठीक। यहां तक हो गया। अब आपका क्या बनेगा मेन फंक्शन, इंटीजर मेन फंक्शन, याद है इंटीजर मेन फंक्शन। अब यहां पे क्या बनता है आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो ए नाम से क्या था, क्लास का नाम क्या था ए, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है हमारा ए, अब उसका ऑब्जेक्ट बना दिए हम लोग ए, ठीक है। और पैरामीटर पास कर दिए 5 और 6, कितना कितना कर दिए 5 और 6 क्या कर दिए पैरामीटर। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करेगा वाइड डिस्प्ले को, तो ये ऑब्जेक्ट कॉल कैसे करता है, तो एक्सेस ऑपरेटर लगता है कॉल करने के लिए। तो ए जो है ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है। और एक्सेस ऑपरेटर किसको कॉल करेगा, डिस्प्ले फंक्शन को, किसको कॉल करेगा डिस्प्ले फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आप डिस्प्ले फंक्शन में क्या लगाएंगे सेमी कॉलर लगाएंगे, उसके बाद आपका रिटर्न, रिटर्न क्यों लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या ले लिए हैं हम लोग मेन फंक्शन को इंटीजर, यहाँ पे क्या कर देंगे क्लोज। तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनेगा। जब हम इसको रन कराएंगे तो एडिशन ऑफ 5 and 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11, एडिशन ऑफ 5 and 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 11, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। सबसे पहले आपको बताना है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो है जिसमें हम पैरामीटर क्या करते हैं पास करते हैं, इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट पास किया जा सकता है और आर्गुमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब आप एक करोगे तो भी ठीक है, एक से अधिक करोगे तो भी ठीक है, कोई लिमिट नहीं होता। और आर्गुमेंट के रूप में हम किसी भी मतलब आर्गुमेंट के रूप में हम किसको पास करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको प्रोग्राम में बताया हम किसी भी वेरिएबल को क्या कर देते हैं वहां पे पास कर देते, वही तो आर्गुमेंट हुआ, वही क्या होगा आपका पैरामीटर। तो इस प्रकार का आपको दिखेगा कि कैसा कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसी पे आप ये सब नहीं रहता तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है कंप्यूटर।